2008 का अगर मैं उल्लेख करूं, जो ऑनरेरियम था वो 1400 रुपए था। तब सर जो मिनी आंगनबाड़ी में व्यवस्था थी उसमें 750 रुपए दिए जाते थे। तो आज जो हिदायत दे रहे हैं, निश्चित रूप से वो प्रसन्न चित्त हुए होंगे जब नरेंद्र भाई मोदी ने 1400 से बढ़ाकर ऑनरेरियम 4500 किया। आज जो हिदायत दे रहे हैं वो निश्चित रूप से प्रसन्न हुए होंगे जब नरेंद्र मोदी सरकार ने 750 रुपए से बढ़ाकर मिनी आंगनवाड़ी में 3500 रुपए की व्यवस्था की। आज जिन्होंने हिदायत दी, विशेष अब जेंटलमैन कहूंगी तो सूली पर लटका दिया जाएगा, इसीलिए और मेरी अपेक्षा भी नहीं है सर, जहां महामहिम राष्ट्रपति जी का स्वयं अपमान हो सकता है तो मैं क्या चीज हूं। तो मैं आपके सम्मुख सर रखना चाहूंगी कुछ आंकड़े जो उनकी हकीकत को बयां करता है। 2011-12 सर, when the Congress led UPA was in power, for the Anganwadi systems, they pronounced a budget estimate of 10,000 crores. Sir, if I look at the budget which was spent in 2020-21-22, and if I go back just 1 year in 21-22, then the spend by the Modi Sarkar only in one financial year was 18,208 crores. तो जो हिदायत दे रहे हैं, जब उनके पास सत्ता थी तब उन्होंने इसी सिस्टम में कोई भी आर्थिक सहायता बढ़ाकर नहीं दी। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है और जब प्रधानमंत्री महोदय ने डिजिटल इंडिया का उल्लेख किया था उस वक्त कई लोगों ने उपहास भी किया कि इतने विशाल देश में, इतनी विशाल जो हमारी ग्रामीण जनसंख्या है वो इस व्यवस्था को कैसे अपनाएगी। मैं आज बड़े हर्षोल्लास के साथ कहना चाहती हूँ कि पोषण का जो एक नया संग्राम शुरू हुआ उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आदेशित किया कि अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो क्यों ना डिजिटाइजेशन का वही सहयोग आंगनबाड़ी तक पहुंचाया जाए। मैं सर आपको अनुमति से आपकी अवगत कराना चाहती हूं कि राष्ट्र में पहली बार आंगनबाड़ी को स्मार्टफोन से लैस करने वाली अगर कोई सरकार है तो वो मोदी सरकार है। 11 लाख से ज्यादा डिवाइसेस वर्तमान में उपलब्ध हैं आंगनबाड़ीज में। सब पोषण ट्रैकर जब हमने शुरुआत की तब कोविड के दरमियान शुरुआत की थी, हमारे रितेश पांडे जी ने, उनकी अनुपस्थिति में पुनः बोल रही हूँ, इस बात की चिंता व्यक्त की कि आंगनवाड़ी बहनों को 10-10, 12-12 रजिस्टर लेके घूमना पड़ता है, लेकिन सर उसी चुनौती से समाधान तक पहुँचाने के लिए स्मार्टफोन का जब इंट्रोडक्शन हुआ सर, उसमें पोषण ट्रैकर के माध्यम से हमने ये व्यवस्था बनाई कि हर महिला और बच्चा जो आंगनबाड़ी में सेवा लेते हैं उनकी जो भी दरकार है, उनके डिटेल्स, चाहे उनका पता हो, उनका अगर हाइट और वेट मेजरमेंट हो, उसको टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल कराएं ताकि आंगनबाड़ी बहन को वो बड़े बड़े थैले और रजिस्टर लेके दर दर घूमना ना पड़े। सर, चूंकि ये बात उठी है दूर तलक नहीं जाएगी, लेकिन इतना संक्षेप में कहना चाहूंगी कि भले ही व्यवस्था शुरू हुई 1970 के दशक में 33 प्रोजेक्ट से और आज 13 लाख आंगनबाड़ी तक की व्यवस्था पहुंची है, लेकिन पहली बार पानी और सैनिटेशन की बजट लाइन, सभी माननीय सांसद इस बात से अवगत है कि मंत्रालय तभी स्पेंड करेगा जब फाइनेंस के साथ समन्वय में बजट की व्यवस्था की जाएगी। साहब, पहली बार बजट की बजट लाइन ही आंगनबाड़ी सिस्टम में मोदी सरकार 2017 में लेके आई। 70 के दशक में ना इसकी कल्पना थी, ना ही यूपीए के कार्यकाल में ऐसा कोई प्रावधान था। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, दे से गॉड इज इन डिटेल्स, दिस इज द डिटेल टू विच द एडमिनिस्ट्रेशन अप्लाइड इटसेल्फ।